ध्यान रखने योग्य बहुत ज़रूरी ज़रूरी बातें, अपना कीमती समय निकालकर ज़रूर पढ़ें। जो औरत रोटी बैठ कर पकाती है उसका पेट कभी नहीं बढ़ता है। रोटी हमेशा बैठकर ही पकानी चाहिए। रोटी पकाते समय अगर हम रोटी खड़े बनाते हैं तो उससे हमारा पेट बाहर आता है, अगर हम बैठ के पकाते हैं तो जो हमारे पैर होते हैं उनसे वो पेट थोड़ा ऐसे दबता है तो वो इस वजह से अंदर चला जाता है। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द होने लगता है। पालक खाने से खून की कमी दूर होती है। दाल रोटी खाने से इंसान कम बीमार पड़ता है। ज़्यादा गर्म खाना खाने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा रहता है। जिन बच्चों की आंखें भूरे रंग की होती हैं उनका दिमाग बहुत तेज होता है। नहाने के दौरान अगर कान में पानी चला जाए तो जिस कान में पानी गया है उसको उसी तरफ झुका दे। नींबू पर चीनी डालकर खाने से चक्कर आना बंद हो जाता है। बाएं तरफ करवट लेकर सोने की आदत ना डालें, इससे दिल की बीमारी होती है। ज़्यादा खाना खाने से पेट की बीमारियां हो जाती है। मोटापा कम करने के लिए खाना खाने के बाद आधा नींबू का रस गुनगुने पानी में डालकर पी लें। खाना खाने के तुरंत बाद चाय का सेवन ना करें, यह आपके खाने को अच्छे से पचने नहीं देता है। तेज चलने वाले व्यक्ति का शरीर कभी भी ढीला नहीं पड़ता है। चाय पत्ती के उबलते पानी में बाल धो, इससे बाल कम गिरते हैं। गर्म रोटी बिल्कुल ना खाए। चीनी के डिब्बे में 6 से 7 लोग डाल दें, इससे चींटियां नहीं लगेगी। अगर आप आटा फ्रीज में रखने वाले हैं तो ऊपर घी लगा लें और फ्रीज में ढककर रखें, इससे आटा ताज़ा बना रहेगा। आटा गूंथते समय पानी के साथ साथ थोड़ा दूध मिला लें, इससे रोटियां नरम और स्वादिष्ट बनती है। प्याज को फ्राई करने के दौरान उसमें हल्की सी चीनी मिला देने से वो जल्दी ब्राउन हो जाता है। दाल के चीले बनाते समय घोल में 2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला लें, इससे कुरकुरा बने। कटे हुए सेब को काला होने से बचाने के लिए नींबू लगा दें। अगर नींबू ज़्यादा कड़ा है तो उसमें कुछ देर के लिए गर्म पानी में डुबाकर रख दें, इससे बाद में नींबू काटने से आपको ज़्यादा रस मिलेगा। चावल पकाने के दौरान उबलते पानी में नींबू का रस मिला दें, इससे चावल खिले खिले सफ़ेद बनेंगे, सफ़ेद और टेस्टी बनेंगे। तो आपको वीडियो कैसे